इस डेफिनेशंस के सिलसिले का जो आखिरी टॉपिक है दैट इज सस्टेनेबिलिटी सस्टेनेबिलिटी हम किसे कहते हैं हम अपने ऑपरेशंस को ऐसे कंटिन्यू करें कि वो इन लॉन्गर रन एनवायरनमेंट को के लिए वेस्टेजेस क्रिएट ना करें वो आने वाली, वाली जनरेशन के लिए वेस्टेजेस क्रिएट ना करें वो आने वाली जनरेशन के लिए रॉ मटेरियल्स को सप्लाई को सेव कर लें दैट इज कॉल्ड सस्टेनेबिलिटी तो सस्टेनेबिलिटी खाली प्रॉफिटेबिलिटी से रिलेटेड नहीं है सस्टेनेबिलिटी इस बात से रिलेटेड है कि वेदर यू आर डूइंग थिंग्स इन द राइट वे कि वो फ्यूचर जनरेशन को तो नुकसान नहीं पहुंचा रहे तो मोर और दिस इज रिलेटेड विद दी नॉट जनरेटिंग मच एक्सटर्नल कॉस्ट एनवायरनमेंट को डैमेज करने के लिए तो प्रोड्यूसिंग इन सच अवे वेयर सोशल बेनिफिट रिमेन्स ग्रेटर देन दी सोशल कॉस्ट अगेन ये इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है सोशल बेनिफिट क्या होता है प्राइवेट बेनिफिट प्लस एक्सटर्नल बेनिफिट किसी भी गुड को बनाने का एक बेनिफिट ये होता है जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं जैसे आप पढ़ रहे हैं आपको जो बेनिफिट है दैट इज द एक्सटर्नल बेनिफिट दैट इज द प्राइवेट बेनिफिट और अगर आप पढ़ रहे हैं और आपके पढ़ने की वजह से जो इकानमी को फ़ायदा हो रहा है आप क्राइम रेट रिड्यूस हो रहा है बेटर जॉब्स क्रिएट हो रही हैं ऑनटरप्रीनरशिप क्रिएट हो रही है दैट इज एक्सटर्नल बेनिफिट तो बिजनेस ये देखें कि वो जब इन दोनों को ऐड करके सोशल बेनिफिट बनता है तो बिजनेस ये देखें कि जो वो काम कर रहे हैं उसका जो सोशल बेनिफिट है अगर सोशल कॉस्ट से ग्रेटर है तो वो प्रोजेक्ट फिर सस्टेनेबल है इन uh, वो बेनिफिशियल है इकोनॉमी के लिए uh, जैसा कि uh, हम ये करने की कोशिश करते हैं कि हम uh, जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है उसे ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं तो रीन्यूएल रिसोर्स का इस्तेमाल करना जो है दैट इज सस्टेनेबिलिटी हम वेस्टेजेस कम से कम प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं दैट इज सस्टेनेबिलिटी हम जो है वो आ, लेसर आ, जो रिसोर्स है उनको यूज़ करने की कोशिश करते हैं स्पेसिफिकली ये जो हमारा फॉसिल फ्यूल है इसकी जो प्रोडक्शन इसकी जो यूजेज है उसको रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं दैट इज़ कॉल्ड सस्टेनेबिलिटी हम ऐसी चीजें नहीं बनाते हैं जो वेस्ट हो जाए और जिसकी वजह से इन्वायरमेंट में नुकसान हो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड सस्टेनेबिलिटी तो हम ये काम करने की कोशिश करते हैं जिसकी वजह से हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है वो सेफ रहे हमारा जो इन्वायरमेंट है वो सेफ रहे तो ऐसे काम करने को ऐसे बिज़नेसेस करने को इस तरह से अपने ऑपरेशंस के रन करने को हम सस्टेनेबल ऑपरेशंस